हाय, अभी मैं वापसी जा रहा हूँ क्योंकि रात में मैंने आरती देख ली थी। जब हम पहुँचे थे तब आरती शुरू हो गई थी, तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हमें आरती देखने को मिल गई थी। और अभी मैंने मंदिर में हाथ जोड़ लिया है, भेंट चढ़ा दी है और अब मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी नीचे उतरने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ मध्य महेश्वर जो ट्रैक है उसका भी प्लान कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ऊखीमठ जाना पड़ेगा, तो जो कि सगर विलेज से मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर है। तो देखते हैं, जो भी होता है, हो सकता है प्रोग्राम बन जाए, तो इसलिए मैं अगर यहाँ से जल्दी टाइम से निकल जाऊँगा तो मैं जल्दी टाइम से पहुँच जाऊँगा। अब वो मंदिर है, दिख रहा होगा आपको टॉप में, मैं वहीं से आ रहा हूँ और वहीं पर हम रुके थे और अब मैं निकल रहा हूँ। वो लोग जो हैं, जो मेरे साथ थे, वो 9:30 बजे के बाद ही निकलेंगे आरती वारती देखने के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर वो आज चमोली स्टे करने वाले हैं, बता रहे थे मेरे को कल। उसके बाद फिर वो पौड़ी चल जाएंगे अपने घर, तो फिर मेरा रूट तो अलग ही था, इसलिए मैंने बोला मैं टाइम से निकल ही जाता हूँ। तो हमको मतलब लगभग लगाइए 13 घंटे लग गए थे हमारे को यहाँ कल पहुँचने में। 6 बजे हम निकल गए थे मॉर्निंग में और हम पहुँचे हैं 7 बजे के करीब, तो लगभग हमें 12-13 घंटे के करीब लग गया। और वाकई में ट्रैक बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, 22-24 किलोमीटर का ये ट्रैक है और चढ़ाई है पूरा ट्रैक ही, ये स्टीप है, इसलिए टाइम लग जाता है ये को पार करने में ट्रैक को। और ये देखिए फूलों की घाटी जैसी लग रही है, फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो सेम ही रास्ता है नीचे जाने का वापस सगर विलेज, और मेरे को नीचे पहुँचने में भी 7-8 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा आराम से। तो टाइम से निकल जाता हूँ, टाइम से पहुँच जाऊँगा। ये वही रास्ता है, हम रात को आए थे, अंधेरा हो गया था, बारिश भी हो रही थी हल्की, रात में वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि अंधेरा था, अभी मॉर्निंग में वीडियो बना दी इसलिए अभी सब विजिबल है। और कितनी शानदार लोकेशन से होते हुए ट्रैक जा रहा है, एक पगडंडी जैसी बनी है, चारों तरफ आपके फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। और वो रहा रुद्रनाथ मंदिर, वहाँ से आ रहा हूँ मैं, चलता हूँ फिर आगे। मैं अभी थोड़ा आगे आ गया था और देखिए रुद्रनाथ मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है। अभी बादल लगे नहीं है इतने, नहीं तो दिखता नहीं है, अभी बादल इतने ज़्यादा नहीं है तो दिख रहा है साफ। मैं उधर से आ रहा हूँ, पूरा मतलब घूमते हुए हमें को आगे जाना है। और अभी इस ट्रैकिंग में, अभी जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मैं एक अकेला ही बंदा आऊँगा, क्योंकि वहाँ से जो सवेरे चलेगा, मतलब आज सवेरे जिसने ट्रैकिंग शुरू करी होगी, वो शाम को 7 बजे तक या 8 बजे तक ही पहुँचेगा। तो जो यहाँ से जाएगा ही वही मेरे साथ ही होगा। फिलहाल अभी 2 लड़के पहले गए थे आधे घंटे पहले, अब मैं यहाँ से सिंगल अकेला ही जा रहा हूँ, तो सगर विलेज तक मतलब पूरा मैं अकेला ही होऊंगा। रास्ते में मुझे बाई चांस कोई दिख जाएगा ऊपर आते हुए, मगर मेरे साथ जाने वाला कोई होगा नहीं अभी। तो मैं अपना सफ़र चालू रखता हूँ ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ, जितना जल्दी मतलब करूँगा तो उतना टाइम से ही पहुँच जाऊँगा, मतलब इतना जल्दी भी नहीं, स्पीड में नहीं, मतलब आराम से रेस्ट करके रुक के वीडियो बना के, वरना ज़्यादा तेज चलने में भी थकान हो जाती है। अभी मेरे को 3 साथी मिल गए हैं, लगता है अभी ये मुझे सगर विलेज तक ही छोड़ेंगे, मतलब सगर विलेज तक ना, नहीं तो पनार बुग्याल या पुन बुग्याल कहीं तक भी। ठीक है, 7 हो गया है, नाउ वी आर 1, 2, 3, 4 वी आर 4, सही है, दे आर कमिंग। अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अगर आप नीचे जाओगे तब भी आपको चढ़ाई मिलेगी, अभी पीछे इतनी चढ़ाई मिली थी क्योंकि रास्ता चढ़ाई का ही है, फिर नीचे फिर चढ़ाई ऐसे है। तो आप वापसी जाओगे तो आपको ये नहीं कि आपको पूरा रास्ता नीचे मिलेगा, जैसे और जैसे ज़्यादातर ट्रैकिंग में होता है ना, आपको फिर नीचे जाना होता है, इसमें ऊपर चढ़ाई भी है। आप जैसे सामने फिर आ गई जैसे चढ़ाई, ये देख रहे हैं
और चढ़ाई भी काफ़ी स्टीप है एकदम। और फ्रेंड्स आ रहे हैं तो चलते रहते हैं। अभी मैं अपने इन तीन फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूँ जो ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ इनको। बट बीच बीच में पीछे देखना भी ज़रूरी है, कहीं कोई पीछे मुझे ना फॉलो कर रहा हो समझ गए। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया था और कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। बादल देखो कैसे ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए रॉक्स हैं ऊपर, कहीं कहीं झरने बह रहे हैं ऊपर से, मतलब बता नहीं सकता मेरी आंखें जो देख रही हैं इस टाइम पे। गजब ऑसम, मतलब रुद्रनाथ ट्रैक, हैट्स ऑफ टू रुद्रनाथ ट्रैक। रुद्रनाथ ट्रैक ऑसम ट्रैक है, गजब। थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है, मतलब नॉर्मल बंदों के लिए ये ट्रैक नहीं है। अगर आप फिज़िकल फिट हो तो आपके लिए बेस्ट है, मतलब आपने पहले भी कोई ट्रैकिंग करी हो, क्योंकि ये ट्रैकिंग बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये मेरे फ्रेंड्स अभी भी मेरे साथ ही हैं, इनको मैंने बिस्किट खिला दिया था अभी पीछे, अभी ये मेरे साथ ही आ रहे हैं। अभी कुछ एक दो लोग दिखे थे, क्या हुआ अगर ना वो सुबह चले तो कल सुबह रहे होंगे 6-7 बजे नीचे सगर विलेज से, और रात में उन्होंने या तो पून बुग्याल या तो लिट्टी बुग्याल में कहीं विश्राम किया होगा, तो अब वो सवेरे निकल रहे हैं। हाँ ये भी पॉसिबल है, जो लोग डाक में रुक गए होंगे अब वो सवेरे मंदिर जा रहे हैं आरती वारती के लिए।
थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है अभी अकेले हूँ तो। डर बस जानवरों का ही लगता है, और किसी चीज़ का मुझे डर लगता ही नहीं है। कि मतलब अकेले अकेलेपन वाला डर होता है, कहीं गिरने कहीं गुम हो जाने का डर, वो मेरे को नहीं लगता। बस वाइल्ड एनिमल्स। चलो चलते हैं। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, बहुत दूर से, और वो रहा पितृधार। मैं पितृधार पहुँचने वाला हूँ। आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा पितृधार, जहाँ पे हम सब रुके थे। यहाँ पे पितरों के लिए पत्थर चढ़ाए जाते हैं। और धूप निकली हुई है हल्की हल्की, और बादल लगे हुए हैं, और व्यू देखिए बहुत कठिन ट्रैकिंग है। अभी वहाँ से यहाँ आने में चढ़ाई चढ़ाई मिल रही है, बस ढलान नहीं मिला अभी तक। अब मे भी पितृधार के बाद थोड़ा सी ढलान मिलेगी। वो पितृधार है, हाँ, वो कुत्ते वहीं पर है सारे। तो फाइनली मैं पितृधार पहुँच गया। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे पत्थर भी चढ़ाया था लास्ट एपिसोड में। अभी यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। हम सब ने यहाँ पे ग्रुप फोटो भी खिंचाई थी काफ़ी इन्जॉय किया था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ। अभी मैं पितृधर से निकल चुका हूँ नीचे, बस अभी जस्ट निकला ही हूँ। और अभी यहाँ से मुझे नीचे ढलान अब मिली है। अब ये पता नहीं ढलान कब तक है, क्योंकि यहाँ पे तो वापसी जाने में भी चढ़ाई है। और व्यूज़ देखिए क्या ऑसम व्यूज़ हैं, बादल देखिए कैसे ऊपर आ रहे हैं। और ये रास्ता है, कुछ काफ़ी मज़ा आ रहा है। थकावट भी हो रही है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब धूप भी है हल्की हल्की, बीच बीच में तेज है, मतलब मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा जैसा भी हो जा रहा है बीच बीच में, क्योंकि बादल आ रहे हैं ना उनकी वजह से। कहीं कहीं रास्ता गीला था क्योंकि कल रात को बारिश बहुत हुई है। और ये ऐसा कुछ रास्ता है। नीचे देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बादलों के, मतलब बादलों में ही हैं ऐसा लग रहा है। अभी बहुत लंबी ट्रैकिंग है, कम से कम अभी 6-7 घंटे की ट्रैकिंग होगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जितना चलते रहेंगे उतनी जल्दी पहुंचते रहेंगे। ये जा रहा है ट्रैक, देखिए अब आपको दिख रहा होगा वो ट्रैक ऊपर ऊपर स्टीप होता जा रहा है, थोड़ा चढ़ाई होती जा रही है। बस ऐसे रास्ते हैं। पीछे जहाँ से मैं आ रहा था वो तो बहुत स्टीप था। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया था, क्योंकि जो रुद्रनाथ में है यहाँ पे इनके मुख की पूजा होती है भगवान शिव जी की। तो पूरे संसार में 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। एक हमारे इंडिया में रुद्रनाथ, फिर दूसरा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, फिर तीसरा इंडोनेशिया में एक मंदिर है। तो ये पूरे वर्ल्ड में 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे भगवान शिव की मुख की पूजा की जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया था, तो मैं सोचा आपको एक बार बता देता हूँ। बस आगे बढ़ ही रहा हूँ मैं। तो अभी मैं ट्रैकिंग करते करते नीचे ये पनाम बुग्याल तक पहुँच गया हूँ। ये सबसे बड़ा बुग्याल है। फिर इसके नीचे आएगा मिनी पनाम बुग्याल। और वहाँ मवेशी अपने पशु पक्षी चरा रहे हैं, भेड़ बकरियाँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या पानी की सोर्सेज यहाँ पे थोड़े कम है, मतलब अगर आपको पीने के लिए या वैसे किसी चीज़ के लिए चाहिए तो यहाँ से लेके पितृधर से लेके मतलब आगे तक जहाँ तक रुद्रनाथ मंदिर जब आता है
तो वहाँ तक सोर्सेस कम है पानी पीने का, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे पास अभी मैं एक्चुअली मेरी बोतल ऊपर ही रह गई, तो मेरे पास मतलब आते वक्त तो मैंने पानी पी लिया था, वहाँ पे मिल गया था पानी पीने के लिए, लेकिन उसके बाद से मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा पानी का। मुझे प्यास भी लग रही है, देखते हैं आगे कहीं कहीं पानी का कोई जुगाड़ हो तो पहले पानी पीते हैं। बादल देखिए कितने ऊपर आ गए, पूरा फॉगी हो गया देखिए एरिया। तो जब हम आ रहे थे शाम को यहाँ से तो बहुत ठंडा हो गया था मौसम। हमने यहाँ पे अपनी जैकेट, पहले तो हमने टी शर्ट ही पहनी हुई थी, फिर हमने यहाँ पे अपनी जैकेट पहनने शुरू कर दी थी। चिल्ड हो गया था बिल्कुल, मतलब कब कभी छूट रही थी लगा। अब ये लोकल लोग भी जा रहे हैं ऊपर, सारे एजिड लोग ही हैं, वो 70-75 साल के होंगे। चलिए चलते आगे। अभी मैं ट्रैकिंग करते करते नीचे मिनी पनार बुग्याल है जो, वहाँ पहुँच गया हूँ। आपने देखा होगा पहले वीडियो में, पहले मिनी पनार बुग्याल आता है, उसके बाद मेन पनार बुग्याल आता है ऊपर, जहाँ से मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इसके बाद आएगा लिटी बुग्याल, फिर उसके बाद आता है पुंग बुग्याल, फिर चंद्रकोटी, उसके बाद सीधा सगर विलेज। मतलब अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे को पहुँचने में। अभी यहाँ से जो लिटी बुग्याल है वहाँ पहुँचने में मुझे 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा लग जाएगा शायद। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे फिर नीचे। और अभी पूरा मौसम देख रहे हैं आप कैसा फॉग हो गया है। अभी यहाँ मौसम ऐसे बदल रहा है, मतलब कभी धूप कभी फॉग, धूप तो कम है फॉग ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं, अब कुछ पता नहीं बारिश भी कभी भी हो सकती है। तो मैं चलता हूँ नीचे। अभी मैं लिटी बुग्याल पहुँचने वाला हूँ, आपको नीचे दिख रहा होगा वो लिटी बुग्याल है वो पूरा, और ऊपर जो था वो मिनी पनार बुग्याल था। ठंडा मौसम है अभी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से आ रहा हूँ अभी ऊपर, और मुझे सीधा नीचे जाना है लिट्टी बुग्याल जो है उसको, वो रोड दिखेगी वो क्रॉस करते हुए सीधा नीचे। पानी मैंने पी लिया था ऊपर मिनी पनार बुग्याल में, पी लिया था पानी, भैया ने पानी दिया था तो प्यास बुझ गई मेरी। अब सही एनर्जी आ गई थोड़ी। अभी मैं खाने की नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ मैं पुन बुग्याल में जाके खाना खाऊँ, क्योंकि मैं अभी खाऊँगा फिर वही है, चलते चलते फिर वही डाइजेस्ट हो जाना है खाना, फिर भूख लग जाएगी। सच्चे पुन बुग्याल में जाके खाऊंगा मैं, जो सबसे पहला बुग्याल जो आता है, क्योंकि तब तक लोग बना भी देंगे खाना पीना। अभी मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट ही मिलता है, मैं भी रोटी सब्जी खाने के मूड में हूँ, मगर अभी ये लोग क्या बनाएंगे, मैगी परौंठा मेरे ख्याल से यही सब होगा। तो मैं सीधा पुन बुग्याल जाऊँगा और मैं वहाँ पर लंच करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी चढ़ाई फिर नीचे शुरू करूँगा। मैं 7 बजे चला था और अभी 11:15 हो गए, मुझे कम से कम 4.25 घंटे हो गए। इतना तो 5-6 घंटे के ट्रैक तो मैं वैसे ही करता था नॉर्मल, लेकिन ये ट्रैक तो कुछ ज़्यादा ही। चलो मैं निकलता हूँ फिर। तो अभी यहाँ मैं मौली खड़क आ गया था, तो यहाँ पे अभी लंच कर रहा हूँ, दाल चावल खा लेता हूँ, फिर उसके बाद ही नीचे जाऊँगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया तो है नहीं। तो भैया दाल चावल है उनके पास, तो दाल चावल खा के फिर मैं निकल जाऊंगा नीचे। और भैया बता रहे हैं वैसे भी आज कुछ मिलेगा नहीं ऊखी मठ के लिए, आपको कल सवेरे ही मिलेगा, जो भी है पता करना पड़ेगा नीचे सगर विलेज जाके। तो मेरे को लग रहा है आज मुझे सगर विलेज में स्टे करना ही पड़ेगा, तो जो भी होता देखते हैं। नीचे पहुँच के 3-4 बजे तक पहुँचूँगा मैं नीचे अभी। और ये भैया की शॉप है पुन बुग्याल के बाद, मतलब भैया की शॉप ही आती है मौली खड़क के नाम से।
और यहाँ पे रुकने रुकने का भी सारा अरेंजमेंट है। अगर आप रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने लंच कर लिया था ऊपर ही, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। अब मैं रुकूँगा सीधा पुन बुग्याल में जाके। अब मैं ऊपर से आ रहा हूँ और ये रास्ता जा रहा नीचे का। अभी और सारे ट्रैकर्स भी मिले थे, कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं, और वो सामने आपको दिख रहा होगा वो पुन बुग्याल है। मुझे वहीं पर जाना है, वो दिख रहा होगा आपको, वो पुन बुग्याल है, वहाँ मुझे अभी पहुँचना है। तो मेरे को अभी 3-4 बज जाएंगे, और अभी 12:30 और हैं, तो 3 या 4 मुझे बज जाने हैं, मतलब सागर विलेज पहुँचते। तो मैं चलता हूँ फिर नीचे। तो मैंने दाल चावल खा लिया था, यहाँ पे 100 रुपये की डाइट होती है, और अगर ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको 120 की मिलेगी डाइट। तो दाल चावल थे डाइट, मतलब आप अनलिमिटेड खा सकते हो। और मैंने एक कप चाय पी, बढ़िया सी एनर्जी आ गई अब थोड़ी। अब नीचे जाते जाते पूरी कैलोरीज बर्न हो जानी है फिर से। चलो मैं नीचे ही मिलता हूँ पुन बुग्याल में आपको। अभी मैं पुन बुग्याल थोड़ी देर बाद मतलब पहुँचने वाला हूँ, जो मैंने ऊपर से दिखाया था। और जंगल देखिए कितने घने जंगल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले, ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। तो बहुत घने जंगल हैं, और यहाँ से जाना है, और मैं ऊपर से आ रहा हूँ अभी। और अभी मैं अभी अकेला ही हूँ जो नीचे जा रहा है, बाकी लोग ऊपर जो आ रहे हैं वो दिख रहे हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है। खच्चर वच्चर में भी जो आ रहे हैं, बेंगलोर से अंकल आए थे, उनसे थोड़ी गप्पे मारी जब मैं लंच कर रहा था। फिर लड़के जा रहे थे, बहुत सारे जा रहे हैं ट्रैकर्स, ऐसा नहीं है। चलो मैं सोच रहा हूँ मैं फटाफट से पुन बुग्याल पहुँच जाऊँ, तो थोड़ा मेरा रास्ता और कम हो जाएगा। मगर अभी नीचे दिख नहीं रहा मुझे पुन बुग्याल, क्योंकि बादल लग गए हैं। बादल देखिए पूरे ऊपर तक आ गए हैं, और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब वैसी बारिश नहीं हो रही थी छाता खोलने वाली, लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो वैसी वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, कब एकदम से तेज़ हो जाती है, कब बूंदाबांद ऐसी। तो ये रास्ता देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है, इसी ख़तरनाक रास्ते से हम गए थे, और इसी ख़तरनाक रास्ते से वापस जा रहे हैं। गया तो मैं खैर किसी के साथ था, ग्रुप था, तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी अकेले वापस आ रहा हूँ, और वो भी ऑल अलोन, तो हल्का हल्का सा तो डर लग रहा है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि लोग भी बीच में दिख जा रहे हैं। शायद अभी थोड़ा है नीचे पुन बुग्याल, चलिए मैं मिलता हूँ फिर नीचे पुन बुग्याल में। तो मैं अभी ट्रैकिंग करते करते नीचे पहुँच गया हूँ सागर विलेज। अब वही घर आ गए हैं जो स्टार्टिंग में पड़े थे। अब 5-10 मिनट के अंदर अंदर नीचे सागर विलेज आ जाएगा। तो काफ़ी मतलब 8-9 घंटे मुझे लग गए नीचे आने में, काफ़ी टफ ट्रैकिंग थी, बट फाइनली पहुंच गया मैं। बस अब नीचे आने वाला है। तो मैं आ गया हूँ नीचे, जो गेट था उस गेट से मैंने एंट्री करी थी। जब रुद्रनाथ की ट्रैकिंग जो होती है वो इसी यही मेन गेट है, यहाँ से रुद्रनाथ की ट्रैकिंग शुरू होती है। तो मैं अब नीचे आ गया हूँ। फाइनली आई हैव रीच्ड। तो फाइनली मैं नीचे पहुंच गया हूँ। अभी शायद हो गया 4:30 हो गया, और मैंने 7 बजे ट्रैकिंग शुरू करी थी, और 4:30 बजे अब मैं नीचे उतर गया हूँ। मैं वैसे थोड़ा जल्दी उतर जाता, लेकिन मेरे पाँव में थोड़ा पेन भी हो रहा था, तो मैं रह गया था, इस वजह से थोड़ा रुक रुक के आराम से जा रहा था। और ये रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, और ये अंकल ओनर है गेस्ट हाउस के, मैं इन्हीं के यहाँ रुका था, और अभी फिर इनके यहाँ ही रुकूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग में। हाय, गुड इवनिंग।
अभी 4:45 बज गए और मैं अभी अपने होटल रूम में आ गया था। ये वही होटल है जब मैं यहाँ पे आते वक्त रुका था सगर विलेज में, मगर इस बार रूम दूसरा है। पहला जो मैं पहली बार जब आया था तो मुझे पहला रूम दिया था, तो अभी वो फुल है, तो अभी मुझे तीसरा रूम दिया गया है। मतलब रूम तो वैसे सेम ही है सारे। मैंने अपना सामान रख दिया है, अभी शर्ट वगैरह सब सुखाने के लिए थोड़ा पसीने से, और अभी शाम को मैं खाना वाना खाऊंगा और फिर कल सवेरे मैं निकल जाऊंगा। मैं मध्य महेश्वर तो जा नहीं पाऊंगा, मैं कल्पेश्वर जाऊंगा जो कि पंच केदार में भी आता है, मध्य महेश्वर भी, जहाँ पे भगवान शिव की जटाएं गिरी थी। तो मैं कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने जाऊंगा कल सवेरे। एक्चुअली अभी हम जब मैं ऊपर गया था क्या कहते हैं रुद्रनाथ, तो वहाँ एक थे, उनसे बात हो गई थी, तो काफ़ी दोस्ती वोस्ती हो गई थी उनसे भी। तो अभी आते वक्त ट्रैकिंग में वो मिल गए थे रास्ते में, तो मैंने उनको बताया था कि मैं मतलब जाऊँगा मध्य महेश्वर। मैंने मेरे को थोड़ा एक्चुअली बैक लैग मेरे में मतलब पेन भी हो रहा थोड़ा, तो मैंने मध्य महेश्वर का कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसकी ट्रैकिंग भी सेम ऐसी है, मतलब रुद्रनाथ जैसी ही है लगभग। तो मुझे मुश्किल लगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा इनकेस, क्योंकि थोड़ा सा पेन हो रहा था, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो फिर मैंने उनको बताया तो वो कल्पेश्वर जा रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि चलो मैं भी कल्पेश्वर, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया कि आप मेरे साथ ही चल लेना, क्योंकि वो बाइक से आए हैं, वो दूर में रहते हैं देहरादून, तो वो कह रहे थे कि आप मेरे साथ ही चलना, एक बस से भले दो हो जाएंगे, मैं तो जा ही रहा हूँ, बाइक तो मतलब पीछे सीट तो खाली है ही। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, तो हम कल मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 6 बजे के करीब हम निकल जाएंगे कल्पेश्वर के लिए। कल्पेश्वर के लिए मतलब ट्रैकिंग ही नहीं होती वहाँ पे, मतलब रोड बनी हुई कनेक्टिविटी है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप गाड़ी से भी वहाँ कल्पेश्वर जा सकते हो। मेरे ख्याल से 1/2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कुछ 1/2 किलोमीटर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 5 केदारों में से 1 केदार और हो जाएगा, तो एक मेरे मतलब तुंगनाथ, रुद्रनाथ और फिर कल कल्पेश्वर, 3 केदार मेरे पूरे हो जाएंगे। मध्य महेश्वर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा फिर, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद खा पीऊँगा, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। अब मैं सीधा मॉर्निंग में ही मिलता हूँ आपसे। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले ये रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में। वैसे तो सभी को ही पता है, शायद ही कोई होगा जिसको रुद्रनाथ पंच केदारों के बारे में ना इतनी नॉलेज ना हो, सभी को ही होती है, मतलब वो देख सके कि कैसी ट्रैकिंग होती है। मैंने अच्छे से उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से वीडियो बनाई है। चलिए बाय, गुड नाइट।